हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 28 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स आर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, तो कंटेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट ये है कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से एक रिक्वेस्ट की है कि भाई आप है चीता जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है इसके लिए आप फंड है वो दीजिए, ताकि हम चीता को वापस से रीइंट्रोड्यूस है वो इंडिया में करवा सकें। ये बेसिकली कंटेक्ट है। अब यहाँ पे हमारे लिए दो तीन चीज़ें जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले तो चीता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। देखो, बेसिकली चीता है वो बिग कैट फैमिली में इंक्लूड होता है, जैसे कि जो टाइगर होता है वो भी बिग कैट की फैमिली में ही आता है, पेंथर होता है वो भी बिग कैट की फैमिली में आता है, मतलब एक तरीके की जंगली बड़ी बिल्लियों के रूप में इनको काउंट है वो किया जाता है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और जो इंडिया में जो चीता पाया जाता था वो पाया जाता था एशियाटिक चीता, जो कि मेनली अब ईरान से उसका ओरिजिन है वो माना जाता है। बट एक चीज़ आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर जो चीता है वो एक्चुअली विलुप्त हो चुका है, वो हो गया था 1952 में इसको डिक्लेयर है वो किया गया था। जबकि हम बात करें इंडिया में इसकी लास्ट साक्ष्य या लास्ट सबूत की, तो वो था 1947 में चीता को लास्ट बार देखा गया था, वो देखा गया था छत्तीसगढ़ में, वो भी वहाँ पे मृत रूप में उसे देखा गया था। इसके बाद चीता का कोई मतलब इंडिया में प्रूफ या कोई भी सबूत है वो नहीं मिला था, वो 1952 में से इंडिया में विलुप्त है वो करार दे दिया गया था। देखो, रीजन तो इसके बहुत से हो सकते हैं। एक तो इंडिया में तस्करी वगैरह ज़्यादा होती थी, इसी के साथ ही पोचिंग वगैरह, ये सब बेसिकली रीजन थे। और कई बार इनको मार दिया जाता था मतलब सिक्योरिटी वगैरह के चक्कर में, तो वो सारे रीजन बेसिकली आते थे। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि इंडिया में जो चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की बात हो की गई है, एक तो वो कहाँ पे करने की बात है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। वो है नारादोही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि है मध्य प्रदेश में, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि चीता को वापस रीइंट्रोड्यूस कहाँ करवाया जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में नारादोही एक सेंचुरी है, वहाँ पर चीता को रीइंट्रोड्यूस है या रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है वो बेसिकली चलाया जाएगा। 2006 में बेसिकली ये प्रोजेक्ट है वो आया था, बट अभी तक फंडिंग की वजह से पेंडिंग है वो पड़ा था। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इंडिया के अंदर जो चीतों को रीइंट्रोड्यूस लाने करने की बात है, वो चीता बेसिकली अफ्रीका के जो नामीबिया कंट्री है वहाँ से इंडिया में लाए हैं वो जाएंगे, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इंडिया में जो चीते लाए जाएंगे वो नामीबिया से लाए जाएंगे और इंडिया में उनको ट्रांसफर वो किया जाएगा। अब ये जो बेसिकली काम है किसकी मतलब देख निगरानी में वगैरह में होगा वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में जिसका हेडक्वार्टर है उसके द्वारा बेसिकली उसकी निगरानी में ये काम है वो किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है हमें, UPSC यहाँ पे भी एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना है कि वो है देहरादून में, क्योंकि दिल्ली के आउट ऑफ दिल्ली है, तो इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। जैसे कि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ, इनका हेडक्वार्टर बेसिकली वेस्ट बंगाल कोलकाता में। दो चीज़ें कुछ अलग हैं, यूनिक हैं, उनके बारे में बेसिकली क्वेश्चन एक अलग तरीके से बनता है, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में वो रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि एक्ट के तहत बनाई गई थी पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट का जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके तहत बेसिकली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का निर्माण है वो किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो टाइगर होता है वो भी बिग कैट फैमिली से ही बिलोंग है वो करता है, और टाइगर की कंजर्वेशन काफ़ी अहम है क्योंकि हमारे देश में टाइगर की संख्या लगातार कम हो रही थी, इसीलिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा नेशनल पार्क वगैरह के तहत इनका कंजर्वेशन है वो सुनिश्चित किया गया था। बात करें मिनिस्ट्री की, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। इसी के साथ ही चीता को रीइंट्रोड्यूस करवाने की बात है वो कहाँ पे की जा रही है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमें ध्यान रखनी है, चीता का लास्ट एविडेंस कहाँ पे था इंडिया में वो चीज़ें भी बेसिक फैक्ट हमें ध्यान रखनी है, और नामीबिया से इंडिया में चीता को ट्रांसफर है वो किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आगे चलने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है बायोफ्यूल पावर्ड प्लेन के बारे में। तो देखो, इंडिया है उसने अपना पहला बायोफ्यूल से चलने वाला एक प्लेन है, एरोप्लेन है, वो बेसिकली बनाया गया। कौन सी मतलब उसने बनाया कंपनी ने वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो यह बेसिकली बनाया गया है स्पाइस जेट कंपनी के द्वारा। स्पाइस जेट कंपनी का एक प्लेन है जिसका नाम है बॉम्बार्डियर Q-400। इसने बेसिकली देहरादून से दिल्ली में उड़ान है वो अपनी भरी, पहली उड़ान है वो इसकी बायोफ्यूल द्वारा बनाई गई है, बायोफ्यूल द्वारा चली थी, तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। अब यहाँ पे एक तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि क्या इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने बायोफ्यूल पावर प्लेन है वो बनाया है,
तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, इंडिया तीसरी कंट्री है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि नेशनल टैग जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो भी इंडिया में नहीं बनाया था, इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया में वैसी बॉडी है, वैसा ट्रिब्यूनल है, वो बनाया गया था। तो उसी तर्ज पे ये ध्यान रखना है कि बायोफ्यूल पावर्ड प्लेन है उस पर तीसरे नंबर पे इंडिया की रैंकिंग आती है। सबसे पहले USA ने बनाया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर इंडिया ने ये प्लेन है वो बनाया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बनती है कि भाई बायोफ्यूल वो किससे बनता है। देखो बायोफ्यूल है वो बेसिकली जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर जो रेसिड्यू वगैरह होते हैं, जैसे कि जब भी हम फसल वगैरह काटते हैं तो उस दौरान जो भी कचरा बच जाता है उससे होते हैं वो हो गए, या फिर हम देख सकते हैं कि नॉन ईडेबल जो ऑयल हो गया, कि जो खाने लायक ऑयल नहीं होते, खाद्य ऑयल नहीं है, वो तेल हो गया। इसी के साथ ही जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, जो कि म्यूनिसपालिटी वगैरह एकत्रित करती हैं, उन सब चीज़ों को बेसिकली मिला के ये बायोफ्यूल है वो जनरेट किया जाता है। फायदा इसका क्या होता है? फायदा इसका एक तो ये होता है कि भाई जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। इसी के साथ ही अहम बात क्या है, कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें बाहर से इंपोर्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन जो रिजर्व है वो भी बचा हुआ रहेगा। तो ये इसके बेनिफिट भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में। तो पहले तो हम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में ही जानते हैं, इसके साथ ही फिर हम कंटेक्स्ट को यहाँ पे डिस्कस है वो करेंगे। तो देखो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो बेसिकली एक NGO है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो कि इंडिया में 1883 में बनाया गया था, मतलब बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले का बेसिकली बना हुआ है। काम क्या है इसका? इस NGO का बेसिकली काम ये है कि इंडिया में जो कंजर्वेशन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बर्ड्स वगैरह है इनके कंजर्वेशन पर बेसिकली ये स्पेशल फोकस है वो करता है, और बायोडाइवर्सिटी को बचाने में इसका काफ़ी ऊंचा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रहा है। अब हम बात करते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। देखो जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसके साथ ही बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वो मिलके काम है वो करता है, और इंडिया में जो भी पक्षियों की रेड लिस्ट वगैरह तैयार की जाती है उसमें भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसका अहम रोल होता है, क्योंकि पक्षियों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इसी के पास है वो बेसिकली होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। इसी के साथ ही अहम बात करें हम इसके जो लोगो वगैरह की इन चीज़ों के बारे में, तो ये भी थोड़ा हम देख लेते हैं। इसमें जो हॉर्नबिल है इसके बारे में जो इसका लोगो है वो इस तरीके से है, जिसमें हॉर्नबिल को इंक्लूड है वो किया गया है। चलो आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि जो हॉर्नबिल है वो कौन से स्टेट का एक्चुअली जो बर्ड एनिमल है इसके बारे में आप सॉरी बताना है, मतलब स्टेट एनिमल के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेट का जो हॉर्नबिल है वो स्टेट एनिमल है, क्योंकि इस पर UPSC कई बार क्वेश्चन पूछ सकती है। और ग्रेट हॉर्नबिल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका यही है कि हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे में है, और है क्या ये एक NGO है, बस ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत है वो नहीं है। काम बेसिकली इसका यही है कि पक्षियों पर रिसर्च वगैरह करना, उनका डाटा वगैरह तैयार करना, कौन सा पक्षी किस टाइम पे माइग्रेट वगैरह करता है, और भी जो बायोडाइवर्सिटी है इसके लिए बेसिकली ये काम है वो करता है। और एक चीज़ और आती है, वो आती है इंटरनेट ऑफ बर्ड्स। देखो इंटरनेट ऑफ बर्ड्स का मतलब यह है कि यह एक ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल में क्या है, इस पोर्टल में बेसिकली जो भी बर्ड्स वगैरह था उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, या तो आप फोटो डाल के उस बर्ड्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, या फिर आप उस बर्ड के मतलब नाम वगैरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट है वो कर सकते हो। तो एक तरीके का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, वेबसाइट बनाई गई है, जो बनाई गई है इंडिया की एक IT कंपनी है एसेंचर उसके द्वारा, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इन दोनों ने मिलकर बेसिकली इंटरनेट ऑफ बर्ड प्लेटफॉर्म है ये तैयार किया है, ताकि जो भी बर्ड स्पीसीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से। तो ये कुछ फैक्ट्स हमें ध्यान है वो यहाँ पे रखनी है कि डिजिटल फोटो वगैरह हम अपलोड करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो पा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे कंटेक्स्ट की तरफ। कंटेक्स्ट ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि BNHS है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, वो इंडिया का प्रीमियर AVN रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब पक्षियों के बारे में रिसर्च वगैरह यही करता है बेसिकली। कंटेक्स्ट कुछ इसका इस प्रकार है कि जो उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक है ना, वहाँ पे ये अपना पहला रीजनल सेंटर है वो बना रहे हैं, ताकि जो वेटलैंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो वहाँ पे स्थापित किया जा सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो उड़ीसा की जो चिल्का लेक है वहाँ पे पहला इंडिया का रीजनल सेंटर है वो बना रही है, ताकि वेटलैंड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर को वहाँ पे स्थापित कर सकें, और वहाँ पे और ज़्यादा स्टडी है, रिसर्च है वो की जा सके। वो इसलिए है क्योंकि देखो जो उड़ीसा की आपको थोड़ा लोकेशन बताऊं, जैसे कि ये मान लो मोटा मोटा हमारा इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे उड़ीसा की लोकेशन है, तो इसका जो उड़ीसा का एक हिस्सा वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो लेंगून बनता है, और ये लेंगून काफ़ी पॉपुलर है, और इसी में बेसिकली चिल्का लेक है वो बनी हुई है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल आप बोल सकते हैं कि फॉरेन बर्ड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में आते हैं यहाँ पे आते हैं, और इंडिया के भी काफ़ी सारे बर्ड की स्पीसीज यहाँ पे रहती हैं, तो इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और इसीलिए यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो स्थापित करने की बात है
वो की जा रही है। तो ये कंटेक्स्ट हमें ध्यान है वो रखना है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का पहला जो इंडिया में रीजनल सेंटर खोला जा रहा है वो खोला जा रहा है उड़ीसा की चिल्का लेक में। अब उड़ीसा के जो चिल्का लेक है इसी के अंदर आपको बता दूं कि यहाँ पे एक नालाबला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी सॉरी। इस बर्ड सेंचुरी में काफ़ी सारी बर्ड स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान है वो रखनी है। इसके फायदे ये होंगे कि जो फॉरेन बर्ड्स होते हैं इनका हम एक तो रूट वगैरह आसानी से एक्सेस कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे कहाँ वो आते हैं, तो हम उनके लिए और भी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि और ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। इसके साथ ही हम जो बर्ड्स के सैंपल वगैरह है वो इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बर्ड्स की सेंसस वगैरह जनगणना है वो कर सकते हैं, बर्ड्स के लिए जो एटलस डाटा बुक है वो तैयार कर सकते हैं, बर्ड्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उनमें कौन कौन से डिजीज वगैरह होती है, कौन से मौसम में होती है, ये सारे बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी वगैरह कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो बर्ड्स हैं उनका ओवरऑल हम रिव्यू वगैरह भी यहाँ पे करेंगे, और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है नालाबना वाइल्ड जो बर्ड सेंचुरी है वो भी उड़ीसा की चिल्का लेक में लेंगून में ही बेसिकली इंक्लूड है वो है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कुछ बन जाता है। अब हम आगे देखते हैं चिल्का लेक के बारे में, क्योंकि चिल्का लेक है उसकी खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत हो जाती है। देखो चिल्का लेक है वो इंडिया का लार्जेस्ट लेंगून है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लेंगून क्या होता है, ऐसे तरीके से जो एटोल होते हैं कि मतलब बीच में तो क्या उसके पानी भरा हुआ होता है और साइड में एक्चुअली जो लेयर है वो बनी हुई होती है इस तरीके से, और फिर चारों तरफ उसमें पानी होता है। तो उड़ीसा का जो लेंगून है वो भी कुछ इस तरीके से कि बीच में तो लेक हो गई है फिर चारों तरफ इसके क्या है बाउंड्री 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 है और इधर फिर ओशियन का बॉर्डर टच कर रहा है, तो ये इस तरीके की जो शेप होती है वो होती है बेसिकली लेंगून। अब वो ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर लार्जेस्ट लेंगून की बात करें तो वो होता है बेसिकली कैलेडोनियन बैरियर रीफ। ये कैलेडोनियन जो बैरियर रीफ है ये बेसिकली आती है न्यू कैलेडोनिया में। न्यू कैलेडोनिया की लोकेशन हम थोड़ा यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। देखो एक सेकंड, थोड़ा सा आपको मैप में दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब आपको दिख रहा होगा, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के देखो पास में यहाँ पे छोटा सा आपको आइलैंड दिख रहा होगा, ये जो आइलैंड है ये है बेसिकली न्यू कैलेडोनिया, और ये है बेसिकली जो फ्रांस है फ्रेंच जो रेजिडेंसी है उसके अंतर्गत यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो एटोल बना हुआ है वो एटोल हमें ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेंगून है। सेकंड लार्जेस्ट कहाँ पे आता है, इंडिया के अंदर ही आता है उड़ीसा की चिल्का लेक वाला, और जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी यहाँ पे है, तो ये चीज़ भी हमें थोड़ा फैक्ट पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर के पास यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ भी है। अब हम आगे चलते हैं, अगला फैक्ट इसका यही है कि इंडिया के अंदर देखो काफ़ी सारे पक्षी आते हैं विंटर्स के टाइम पे जो माइग्रेटर पक्षी वगैरह आते हैं, और उड़ीसा है उनके लिए बहुत अच्छा प्लेस होता है क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो इसलिए काफ़ी सारे जो विंटर्स एरिया है वहाँ से पक्षी वहाँ पे आते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं चाइना से भी बहुत बड़ी मात्रा में, तिब्बत से पक्षी आते हैं, रशिया से जो रशिया का साइबेरिया वाला हिस्सा है वहाँ से भी पक्षी वो माइग्रेट होकर वहाँ पे आते हैं, और इसी के साथ ही जो IUCN की रेड लिस्ट के जो थ्रेटन्ड एनिमल्स हैं वो भी बेसिकली वहाँ पे पाए हैं वो जाते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी वहाँ की काफ़ी अच्छी है। और अहम बात क्या है कि चिल्का लेक है वो इंडिया की पहली रामसर साइट में इंक्लूड होने वाली लेक है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि इंडिया की पहली साइट कौन सी है रामसर साइट में, वो बेसिकली आती है चिल्का लेक, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। इसी के साथ जैसा मैंने आपको बताया था कि नालाबन जो आइलैंड है वहाँ पे उसी में बेसिकली नालाबन बर्ड सेंचुरी है वो बनाई गई है, तो यहाँ पे बर्ड्स की काफ़ी स्पीसीज वगैरह भी पाई जाती हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत बेसिकली आती हैं। काम इनका यही है कि जो बर्ड्स का कंजर्वेशन वगैरह है उनका मैनेजमेंट वगैरह है उस पर बेसिकली ये फोकस है वो करती हैं। इसी के साथ ही और लोकेशन दी गई है कि जो चिल्का लेंगून है ये बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पूरी है, खुदरा डिस्ट्रिक्ट और गुंजम डिस्ट्रिक्ट है इनके कोस्टल में बेसिकली फैला हुआ है, क्योंकि उड़ीसा की लोकेशन थोड़ी इस तरीके से है, फिर यहाँ पे बे ऑफ जो बंगाल है हमारी वो यहाँ पे बनी हुई है, मतलब बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे जो स्टेट है जो जिले हो जाते हैं छोटे छोटे उन जिलों का बेसिकली हिस्सा यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमारे लिए कुछ काम की नहीं होती है, बस हमें लोकेशन का पता है वो होना चाहिए। अगली जो हमारी न्यूज़ आई है वो आई है DAC के बारे में, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में, और इसका एक नया मॉडल है वो है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल। देखो पहले तो हम ये जानते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का काम क्या है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का काम सीधा यही है कि हमारे देश में जो भी डिफेंस से संबंधित कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह अगर प्रोक्योरमेंट करता है कहीं से खरीदना वगैरह या किसी की जरूरत है तो वो बेसिकली इसके द्वारा प्रोक्योर है वो किया जा सकता है इजीली। क्योंकि अगर देखो जल सेना हुई, थल सेना और वायुसेना, अगर तीनों में किसी चीज़ की जरूरत है तो उनमें तीनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई बोलेगा नहीं पहले हमें किसी चीज़ की जरूरत है, कोई बोलेगा हमें पहले किसी चीज़ की जरूरत है। तो इस इश्यू को लेके कि भाई एक ऐसी बॉडी बना दी जाए जिसका काम ही होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह को प्रोक्योरमेंट वगैरह बाहर से खरीदना वगैरह हो वो सारे काम उसके द्वारा किए जाएँ, और उसी लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो बनाई गई थी, और इसके जो हेड या चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है।
तो अभी कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया में 111 जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है नेवी के लिए, उनको एक्चुअली बनाने के लिए, उनको प्रोक्योरमेंट के लिए बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है वो लाया गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। अब देखो बात ऐसी है कि मेक इन इंडिया के तहत क्या होगा कि जो छोटी छोटी जो भी इंडिया में इंडस्ट्री है जो कि डिफेंस के लिए बेसिकली पार्ट्स वगैरह बनाती हैं, स्पेयर पार्ट वगैरह हो गया या फिर और भी जैसे कि रिसर्च वगैरह करती हैं, वो मेक इन इंडिया के तहत क्या करेंगी, गवर्नमेंट उनको पैसा देगी या गवर्नमेंट उनको चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाएगी और फिर उनसे चीज़ें बनवाई जाएंगी और फिर जो हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे बनाए हैं वो जाएंगे बेसिकली। और कुछ हेलीकॉप्टर को इंडिया में भी जनरेट है वो क्या जाएगा, अगर बाहर से कुछ इम्पोर्ट करना है तो उनको बाहर से भी बेसिकली इम्पोर्ट है वो क्या जाएगा। बट मैक्सिमम फोकस यही रहेगा कि भाई मेक इन इंडिया के तहत जो कंपटीशन है वो बढ़ाया जाए और जो डिफेंस सेक्टर है इसके अंदर भी और ज्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जो इफिशियंसी है डिफेंस सेक्टर के अंदर जो चीज़ें प्रोडक्शन की वो भी उनकी स्पीड है वो बढ़ाई जाएगी और जो इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है वो जनरेट किया जाएगा ताकि अच्छा माहौल बन सके और हमारे देश में जो डिफेंस के इक्विपमेंट वगैरह है वो यहीं पर जनरेट किया जाए ना कि उनको बाहर से खरीदा जाए। इसके साथ ही स्किल है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी और इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट भी इससे बढ़ने वाला है। तो ये कुछ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल से, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है G20 के बारे में। तो देखो G20 में आपको बता दूं कि 20 कंट्री हैं, ऑब्वियसली इंडिया भी इसमें इंक्लूड है वो है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया इसमें है या नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा फैक्ट ये आता है कि इंडिया के पड़ोसी देशों में कौन कौन इसमें इंक्लूड है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज, या आपके लिए एक दूसरा होमवर्क वो तैयार हो गया है कि G20 में इंडिया के पड़ोसी देशों में से कौन कौन है वो इंक्लूड है। तो हम पहले G20 के बारे में जानते हैं फिर हम कंटेक्स्ट की तरफ चलेंगे। देखो G20 है वो बेसिकली G7 की 1999 में मीटिंग हुई थी, मतलब 1999 में G7 जो कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग हो रही थी उस दौरान G20 को बेसिकली बनाया गया था, क्योंकि G7 में जैसा हम जानते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वही बेसिकली G7 में है, तो इसलिए डेवलपिंग कंट्री हुई या फिर हम बोलते हैं कि इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी के हालात सुधारने के लिए बेसिकली G20 है वो बनाया गया था। उस टाइम पे काफ़ी सारे फाइनेंशियल चैलेंज वगैरह आ रहे थे तो उन सबसे निपटना हो, तो इसमें डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री और इमर्जिंग कंट्री सभी कंट्रीज हैं वो इसमें शामिल हैं। तो पहला तो फैक्ट यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई G7 है उसमें तो केवल डेवलप्ड कंट्री हैं और G20 में डेवलपिंग, इमर्जिंग और डेवलप्ड सभी तरह की कंट्री हैं वो मिक्स हैं। अब हम बाकी और चीज़ें देखते हैं G20 के बारे में। देखो G20 के आपको पहले बताऊँ कि दो पार्ट हैं, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कौन कौन से वो दो पार्ट हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। G20 का पहला एक पार्ट है वो तो आप बोल सकते हो कि फाइनेंशियल टास्क है और दूसरा है वो है शेरपा टास्क है। तो इनमें क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं, इनका क्या क्या काम है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो जो G20 की जो फाइनेंशियल टास्क है ना, इसका काम यह कि ये फाइनेंस संबंधी काम है वो करती है, जैसे कि ट्रेड वगैरह का काम हो गया या फिर इकोनॉमिक की सिचुएशन वगैरह होगी, इकोनॉमी कैसी चल रही है इसके बारे में कोई स्टडी वगैरह, इससे बन में कोई डाटा वगैरह हो, या फिर इन्वेस्टमेंट कैसी आ रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, ऐसा कुछ काम हो, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी कुछ काम हो रहा है वो बेसिकली फाइनेंशियल टास्क में हो रहा है। फाइनेंशियल जो फिस्कल रेट पॉलिसी होगी उसके बारे में स्टडी करनी हो, महंगे वगैरह के संबंधित कोई भी काम हो, तो ये होते हैं फाइनेंशियल टास्क बॉडी के द्वारा किए जाते हैं। और दूसरी बॉडी होती है वो उसमें होती है शेरपा टास्क क्या करती है बेसिकली, जैसे कि कोई भी इसमें दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर विवाद हो गया हो या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई इश्यू हो, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनसे निपटने के लिए शेरपा टास्क है वो काम करती है। तो अभी कंटेक्स्ट ये है जो इसकी फाइनेंशियल टास्क है ना, उसकी अभी मीटिंग हुई थी अर्जेंटीना में एक जगह है जिसका नाम है साल्टा। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है कि G20 की अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल चैलेंज है इनसे निपटने के लिए डिजिटल इकोनॉमी जो टास्क फोर्स है इसके द्वारा अर्जेंटीना की साल्टा में इसकी एक मीटिंग है वो आयोजित है वो की गई थी। तो एक तो जगह इंपॉर्टेंट है, दूसरी किसके द्वारा की गई थी, फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स है इसके द्वारा। थीम ये थी कि बिल्डिंग कंसर्न्स फॉर द फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो भी डेवलपमेंट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके लिए जो भी कंसर्न्स वगैरह है उनके लिए हमें एक अच्छा डेवलपमेंट है उसके लिए बिल्डिंग वगैरह सब तैयार करनी है, हमें उनको बिल्ड करना है, ये बेसिकली इसकी थीम है वो रही थी। बाकी कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि जो टास्क फोर्स है जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है इसके द्वारा बेसिकली मीटिंग है वो की गई थी। बना कब था, 1999 में बनाया गया था जब G7 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी उस दौरान। तो देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो 85% जो ग्लोबल इकोनॉमी है इसको बेसिकली G20 है वो मतलब रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड का, 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको भी यह रिप्रेजेंट है वो करता है। तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू वो रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो टॉप टॉप इकोनॉमी है जैसे इंडिया भी हुआ, चाइना हुआ, USA हुआ, ये सारी कंट्रीज बेसिकली इसके मेंबर हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है।
दो टेस्ट की मैंने टास्क फोर्स आपको बता दी है कि G20 दो हिस्सों में, एक तो इसका फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, एक इसकी शेरपा टास्क फोर्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उनके फीचर्स हमने यहाँ पे देखे, कौन कौन सी कंट्रीज के मेंबर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में आज यहाँ पे बताना है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।